सुंदर वन के जंगलों में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी। उसके दो बच्चे थे, एक का नाम शेनू और दूसरे का नाम जागू था। जागू बहुत शरारती था। एक दिन माँ दाना लेने जाने की तैयारी कर रही होती है और तभी वे अपने बच्चों से पूछती है, तुम लोगों की उड़ने की तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है माँ। माँ, मैं कल बहुत दूर तक उड़ता चला गया था। बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। मैंने इतनी बार समझाया है, फिर भी तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो। माँ, हम लोग आपकी बात हमेशा मानते हैं। बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जंगल में कई तरह के पक्षी व जानवर होते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। माँ, घबराइए नहीं, हमें आपकी हर बात याद है। माँ, आज दाना लेने ना जाओ, मुझे आपकी याद आती है। माँ माँ मत जाओ ना। अगर मैं दाना लेने नहीं जाऊंगी तो फिर दाना कौन लाएगा? और तुम लोग खाओगे क्या? अच्छा, मैं जा रही हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। और हाँ शीनू, जागू का ध्यान रखना, उसे घर से बाहर नहीं जाने देना। जागू मेरी बात नहीं मानता है और मुझे बहुत परेशान करता है माँ। शीनू, तुम बड़ी हो और तुम्हें जागू का ध्यान रखना होगा। मैं बस यूं गई और यूं आई। और माँ जंगल में दाना लेने चली जाती है। जागू देखता है कि शीनू सो रही है। वे धीरे से घोंसले से बाहर आता है। शीनू सो गई है, चलो थोड़ा घूम के आता हूँ। और जागू घूमने चला जाता है। उसने नया नया जो उड़ना सीखा था, उसे उड़ने में बहुत मजा आता है। उड़ते उड़ते जागू बहुत दूर निकल जाता है। कितना मजा आ रहा है उड़ने में। और तभी बारिश होने लगती है और वह एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। जागू पहली बार बारिश को देखकर डर जाता है। मुझे डर लग रहा है, अब तो मुझे घर वापस जाना चाहिए, तो बारिश भी बंद हो गई है। जागू इधर उधर घूमता रहता है और अपने घर का रास्ता भूल जाता है। जागू परेशान होने लगता है और उसे डर भी लगता है। और उसे अब अपनी माँ की हर एक बात याद आ रही होती है कि उसने समझाया था कि बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। और तभी पीचू बाज की नजर जागू पर पड़ती है। अरे वाह, कितना ताजा भोजन है, आज तो मजा ही आ जाएगा, चलो देखते हैं। पीचू बाज उड़कर जागू के पास पहुंच जाता है और पूछता है, बच्चे कहाँ घूम रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता क्या? इतना घना जंगल है और तुम अकेले ही घूम रहे हो। जागू पीचू बाज को देखकर डर जाता है। नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी माँ भी बस आ रही होगी। ठीक है, मैं भी यहीं बैठकर तुम्हारी माँ का इंतजार करता हूँ। और दोनों थोड़ी देर वहीं बैठे रहते हैं। तभी इसके बाद पीचू बाज अपनी चाल चलता है। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? जी 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 जागू। लगता है तुम झूठ बोल रहे हो, यहाँ अकेले बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत हो। चलो भी, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा।
जागू पीचू बाज की बातों में आ जाता है और जागू पीचू बाज के साथ चल पड़ता है। अरे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? यह रास्ता मेरे घर का नहीं है। यहीं पास में मेरा घर है, तुम पहले वहां चलो, थोड़ा विश्राम कर लो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ कर लाता हूँ। जागू धीरे धीरे सब समझने लगता है और वह पीचू से बचने की तरकीब सोचता है। मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं नहीं उड़ सकता और मुझे भूख भी लग रही है, क्या आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं? ठीक है, तुम यहाँ थोड़ा विश्राम कर लो, मैं बस अभी आया। और पीचू बाज जागू की बातों में आ जाता है और जागू के लिए कुछ खाने के लिए लेने चला जाता है और जागू मौके का फायदा उठाकर दूसरी तरफ भाग जाता है, किसी तरह पीचू बाज से छुटकारा पाता है। अब दूसरी तरफ जागू की माँ जब घर पर वापस आती है तो जागू के घर से कहीं चले जाने की बात का पता चलता है तो वे बहुत परेशान होती है और शीनू के साथ जागू को ढूंढने निकल जाती है। अरे तोता भाई, क्या तुमने जागू को देखा है? मैंने नहीं देखा। पीली मौसी, क्या आपने जागू को कहीं देखा है? अरे नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा है। चलो बगुला काका के पास चलते हैं, शायद उन्होंने देखा हो। और वे सभी लोग बगुला काका के पास पूछने के लिए जाते हैं। बगुला काका, क्या तुमने जागू को कहीं देखा है? हाँ, मैंने इस तरफ जागू को जाते देखा है। क्या बात है, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? अब सभी लोग जागू को ढूंढने उसी तरफ उड़ जाते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद जागू तभी एक पेड़ के पीछे छुप कर बैठे जागू ने अपने नाम को सुना और वह जान जाता है कि यह तो मेरी माँ की आवाज है और वह सामने आ जाता है और आवाज लगाता है। माँ, मैं यहाँ हूँ माँ। और इस तरह से जागू अपनी माँ व बहन से वापस मिल जाता है। इस कहानी से बच्चों आपको यह शिक्षा मिलती है कि माँ पापा की बात हमेशा माननी चाहिए और बिना बताए घर से बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए।